दोस्तों, महाभारत के मुख्य पात्रों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, परंतु क्या आप यह जानते हैं कि पांचों पांडव भाइयों की कितनी पत्नियां थी और कितने पुत्र थे? इस बारे में शायद कम लोग ही जानते होंगे। चलिए आइए हम आज पांडवों की पत्नियों और पुत्रों के बारे में जानते हैं। मित्रों, पांडवों की एक पत्नी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, वह थी राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। अगर देखा जाए तो यही द्रौपदी ही महाभारत युद्ध का मुख्य आधार बनी थी। द्रौपदी पांचों पांडव भाइयों की पत्नी थी, इसी कारण पांचों भाइयों ने द्रौपदी से अपनी एक एक संतान उत्पन्न की। द्रौपदी का पहला पुत्र प्रतिभिंद धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र था। द्रौपदी का दूसरा पुत्र सुतसोम गदाधारी भीम से उत्पन्न हुआ था। द्रौपदी का तीसरा पुत्र श्रुतकर्मा अर्जुन का पुत्र था। द्रौपदी का चौथा पुत्र शतानिक नकुल से उत्पन्न हुआ था और द्रौपदी का पांचवा पुत्र श्रुतसेन सहदेव का पुत्र था। महाभारत युद्ध के अंतिम क्षणों में द्रौपदी के इन पांचों पुत्रों की हत्या द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने की थी। इसके अलावा धर्मराज युधिष्ठिर की देविका नाम की एक और पत्नी थी, जिससे योद्धे नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसी प्रकार महाबली भीमसेन का एक विवाह काशी नरेश की पुत्री वलंधरा के साथ हुआ था। वलंधरा से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम स्वर्ग था। इसके अलावा हिडिंबा नाम की राक्षसी ने भी भीमसेन से विवाह किया था। हिडिंबा से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच महाभारत युद्ध में अर्जुन का जीवन बचाने के लिए कर्ण की उस शक्ति को नष्ट करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था, जो कि कर्ण ने सिर्फ अर्जुन की मृत्यु के लिए सुरक्षित रखी हुई थी। इसी प्रकार गांडीवधारी अर्जुन की द्रौपदी के अलावा तीन और पत्नियां थीं, जिनके नाम थे उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। उलूपी एक नाग कन्या थी। अर्जुन जब अपने 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, तब वह तीर्थ यात्रा करते वक्त हरिद्वार पहुंचे थे। गंगा में नहाते समय नाग कन्या उलूपी अर्जुन को नागलोक खींचकर ले गई थी। फिर वहां उलूपी ने अर्जुन के साथ विवाह किया था। अर्जुन और उलूपी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम इरावन था। इसी प्रकार अर्जुन उसी वनवास के समय जब तीर्थ यात्रा करते हुए मणिपुर पहुंचे थे, तो उनकी नजर वहां के राजा चित्रवाहन की खूबसूरत लड़की चित्रांगदा पर पड़ गई थी और अर्जुन ने राजा चित्रवाहन के पास जाकर उनकी खूबसूरत बेटी का हाथ मांग लिया था। चित्रांगदा राजा चित्रवाहन की एक ही संतान थी, इसीलिए उन्होंने अर्जुन से अपनी पुत्री का विवाह इसी शर्त पर किया था कि वह अपनी पहली संतान उन्हें दे देंगे। चित्रांगदा से अर्जुन को बभ्रुवाहन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसे उन्होंने शर्त अनुसार राजा चित्रवाहन को दे दिया था। इसी प्रकार अपने वनवास के अंतिम समय में जब अर्जुन द्वारिका के पास जंगलों में पहुंचे थे, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखकर उस पर रीझ गए थे। भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से ही अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था। फिर उसके बाद अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हो गया था। सुभद्रा से ही अर्जुन को अभिमन्यु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसी तरह पांडवों के भाई नकुल का विवाह श्री कृष्ण के दुश्मन शिशुपाल की पुत्री क्रेणुमती के साथ हुआ था और क्रेणुमती से उन्हें निर्मित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। सबसे छोटे भाई सहदेव की पत्नी विजया थी, जिससे उन्हें सुहोद्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। मित्रों, इस तरह अगर देखा जाए तो पांचों पांडवों की कुल 9 पत्नियां और 13 पुत्र थे।